हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज दुनियास एमबीए यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए प्लान करा है। एडमिशन सीजन चालू है, आप लोग सारे कंफ्यूज होंगे कि किस आईएम किस कॉलेज में जाना चाहिए, और इसीलिए आज हम लेके आए हैं बेबी आईएम्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो। आज हम बात करेंगे शुड यू ज्वाइन अ बेबी आईएम। बेबी आईएम जिन लोगों को नहीं पता है, वो आईएम्स है जो कि 2015 में इनकॉर्पोरेट हुए थे। आज हम उनके बारे में ज्यादा बात करेंगे। So the question is, should you join a baby IIM? Let's start. So सबसे पहली चीज़ जो baby IIM में सभी लोगों को देखनी चाहिए, that is economics. Economics is कितना आप return on investment देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आपका current CTC क्या है? If you have a work ex and you are already working at 10-12 lakh per annum CTC, या फिर आपकी already in hand salary 1 lakh महीने की है, तो you should avoid joining baby IIM. बिकॉज वहां से भी आपको एवरेज आपका जो प्लेसमेंट में लगेगा, दैट इज 14-15 लाख, और अगर आप 11-12 लाख पे ऑलरेडी हैं, तो 10% के रेट से भी अगर आप इंक्रीज देखें तो आप उसी लेवल पे 2 साल में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखना चाहिए, नॉट जस्ट द फीस, 2 साल की फीस अगर आप देखेंगे तो 13 से 15, 16, 17 लाख तक आपकी रेंज करेगी। बट सिर्फ फीस को देख के आपको नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी अगर आप 12-13 लाख की सैलरी पे है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे? 2 साल में जो आप अगर 12 लाख के पैकेज में हैं, 2 साल में आप 24 लाख कमाते हैं, तो वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एडिंग टू दैट 16 लाख, आपका राउंड अबाउट 40 लाख का खर्चा जाएगा एमबीए का, तो वो रिकवर करना आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क रहेगा। तो आपको हमेशा इकोनॉमिक्स ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपका पैकेज कम है, मान लो 3-4 लाख, तो आप बेबी आईएम्स बहुत अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। इट विल बूस्ट योर करियर पाथ वेरी गुड। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अकेडमिक्स। अबे भाई, पढ़ाई कितना कर पा रहे हो? देखो, दो तरह से हो सकता है ये। अगर आपका दूसरा तीसरा कैट अटेम्प्ट है, आप 2-3 साल से तैयारी करके ये कैट अटेम्प्ट दे रहे हो, एंड देन यू आर कन्वर्टिंग बेबी आईएम, तो आपको पता है दिस इज द अपर लिमिट, आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। एक लेवल तक आप अपने एप्टीट्यूड को डेवलप कर सकते हो, उसके बाद एप्टीट्यूड को कोई सिखा नहीं सकता। सो अगर आप 2-3 अटेम्प्ट करके, एंड ये चीज आपको खुद पता है आपने 100% दिया है कि नहीं दिया, हो सकता है आप पूरे साल ड्रॉप करके पढ़ रहे हो, बट आपको अंदर से लगता है कि ओके यू कुड हैव डन बेटर, तो अगर आप इससे ऊपर के आईएम्स कन्वर्ट कर सकते हो नेक्स्ट टाइम, एंड मेजरली ओल्ड आईएम्स, दैट इज ब्लैकी एंड एबीसी को आप टारगेट करते हुए, तो आपको जरूर ड्रॉप लेना चाहिए एंड बेबी आईएम ज्वाइन नहीं करना। बट अगर आपको पता है भाई आपका पढ़ाई से मन नहीं चल रहा, भाई मैथ्स के नंबर आपको नहीं समझ में आ रहे, और आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट मारा है, एंड देन यू आर कन्वर्टिंग, तो आपको बेबी आईएम ज्वाइन कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप में कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि भाई अगला टाइम देता तो मैं भी अच्छा हो जाता, नहीं, आप अपने आप को इवैल्यूएट खुद कर सकते हो, ठीक है। द थर्ड थिंग, आपकी करंट पोजीशन क्या है, आप करंट अपनी जॉब में कितने खुश हैं। हो सकता है आप कोडर हो एंड यू आर एंजॉयिंग इट, एंड हो सकता है भाई दूसरा इंसान हो जो कोडर हो बट इज नॉट एंजॉयिंग हिज प्रोफाइल हिज जॉब। दूसरी चीज आपको देखनी चाहिए, नॉट जस्ट आप एंजॉय कर पा रहे हैं अपनी जॉब को कि नहीं, दूसरी चीज जॉब सेटिस्फेक्शन में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है आपकी पर्सनल ग्रोथ। मान लो एक्स पोजीशन में आपको ग्रोथ नजर आ रही है बहुत अच्छी, तो आप वहां से बेबी आईएम में जाना पसंद नहीं करेंगे। बट अगर आपको दिख रहा है कि ओके दिस इज स्टैग्नेटिंग, आप अपर टियर में पहुंच रहे हो और अब आपके ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो एक करियर चेंज के लिए, एक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट आपको मिलेगा एमबीए फ्रॉम बेबी आईएम, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर आप करंट पोजीशन से सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर आप अपना जॉब प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं, तो एमबीए इज अ गुड ऑप्शन, वरना यू शुड अवॉइड इट, यू शुड अवॉइड जॉइनिंग बेबी आईएम। सो ये बात होगी भाई हमें ज्वाइन करना है कि नहीं करना। बट अगर आप लोग अभी तक मान गए हो कि चलो जी हमें बेबी आईएम ज्वाइन करना ही है, तो हम रैंकिंग्स के बारे में बात करते हैं कि 7 बेबी आईएम कैसे रैंक करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रैंकिंग कोई फिक्स नहीं होता, दीज रैंकिंग आर बेसिकली ऑन यूजर परसेप्शन एंड differs from individual to individual basis. ये कोई hardcore ranking जैसे NERF बिल्कुल fixed ranking देते हैं भाई first, second, third, नहीं, ये वैसी ranking नहीं है, because all these colleges are similar to each other. So आइए rankings के बारे में बात करते हैं, इनके ROI की, इनके fees के structure के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। So सबसे पहले number पे हमारे पास है IIM Nagpur. So important चीज़ ये है, IIM Nagpur का अपना campus है, ठीक है। अब देखो हमने किस किस चीजों पे rate करा है, सबसे पहले fees, एवरेज सीटीसी, बैच साइज। बैच साइज क्यों इंपॉर्टेंट है? बैच साइज इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर ज्यादा बच्चों में आपको प्लेसमेंट लेनी होगी तो मुश्किल होगा, कम बच्चे होंगे तो प्लेसमेंट आसानी से मिलेगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोकेशन, हमने रेटिंग दी है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोकेशन को बेस्ड कि उनके पास अपना कैंपस है कि नहीं, एंड दूसरा इंडस्ट्री के कितने पास है। अब नागपुर बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है, प्लस महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई के पास है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो ज्यादा, तो इसलिए इसको 9 रैंकिंग दी है। अगेन नेक्स्ट है पब्लिक परसेप्शन। अब पब्लिक परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एमबीए कॉलेज के लिए, बिकॉज जितना अच्छा पब्लिक परसेप्शन उतने ही अच्छे बच्चे वहां पे जाएंगे, और जितने अच्छे बच्चे जाएंगे उतना ही अच्छा प्लेसमेंट होगा। सो अगेन यहाँ पे 18 लाख की फीस देखने को मिलती है, एवरेज सीटीसी 16.74 है, देखो आरओआई 100% से थोड़ा सा कम है, ठीक है, बिकॉज फीस थोड़ी सी इसकी हायर रेंट पे। अगेन इंपॉर्टेंट चीज, आई एम नागपुर कैप से अलग है, कॉमन इंटरव्यू प्रोसेस से अलग है, और अपने हिसाब से बच्चों को लेता है। तो रैंक वन पे हमारी तरफ से आई एम नागपुर है, ऑल्दो डिस्प्यूटेड, मतलब डिस्प्यूट हो सकता है इस पे कि नो सेकंड वन इज अबव अमृतसर इज बेटर, बट इन जनरल रैंकिंग इस हिसाब से। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है आई एम वाइजैग। अगेन वाइजैग भी अपना खुद का इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू प्रोसेस खुद का होने का बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्या कि वो अपने हिसाब से स्टूडेंट्स को ले सकता है जिस प्रोफाइल के स्टूडेंट्स वो चाहता है। सो आई एम वाइजैग में फीस कम है 16.8 लाख, 16.61 का एवरेज सीटीसी यहां पे देखने को मिलता है, आरओआई की बात करें तो 100% से जस्ट थोड़ा सा कम रह रहा है, विच इज वेरी गुड। बैच साइज अगेन 240, एंड बैच साइज जो है थोड़ा सा वेरी कर सकता है इस नंबर से, बिकॉज असली बैच साइज तभी रिलीज होगा जब बच्चे अंदर पहुंच जाएंगे, बच्चों का इनटेक हो जाएगा। नेक्स्ट इंफ्रा एंड लोकेशन, अगेन अपना खुद का कैंपस है, प्लस वाइजैग बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो बहुत फायदा इनको मिलता है, एंड पब्लिक परसेप्शन रैंकिंग इज 2। नाउ कमिंग टू द थर्ड कॉलेज आई एम अमृतसर। अगेन टॉप तीनों कॉलेज अपने इंटरव्यूज खुद लेते हैं, अपनी तरफ के स्टूडेंट्स खुद चूज करते हैं। फीस यहां पर देखने को मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 16 लाख प्लस मेस और हॉस्टल का मिला के, एवरेज सीटीसी यहां पे 16.51 है, दिस ब्रिंग्स द आरओआई टू जस्ट अबव 100%, विच इज वेरी गुड। बैच साइज थोड़ा सा हायर एंड पे देखने को मिलेगा 320, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कम रैंक करता है। अमृतसर की लोकेशन एंड इंफ्रा रैंकिंग रेटिंग हमने 8 दी है, एंड पब्लिक परसेप्शन रैंकिंग 3 है। कमिंग टू द फोर्थ कॉलेज इन आवर लिस्ट आई एम बोधगया। नाउ पहले तीन कॉलेज थोड़े से अलग है, बाकी चार अपना जो एडमिशन है वो कैप प्रोसेस के थ्रू, कॉमन एडमिशन प्रोसेस के थ्रू लेते हैं। So, उसमें टॉप रैंक पे हमने दिया है आई एम बोधगया। अप्रोक्सीमेट फीस आप देखोगे तो 16 लाख प्लस मेस फी ऑफ 1 लाख अप्रोक्सीमेटली। एवरेज सीटीसी आपका 16 एलपीए, बैच साइज 275 था लास्ट टाइम का, इस बार थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बट दैट्स अगेन डायनेमिक। लोकेशन एंड इंफ्रा के लिए 7 पॉइंट्स है, बिकॉज इनका अपना कैंपस तो है, बट बोधगया इज प्रीटी फार ऑफ फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया, तो इसलिए यहाँ पे लोकेशन के हमने थोड़े से पॉइंट्स कट किए। पब्लिक परसेप्शन रैंकिंग इज 5 फॉर बोधगया। नेक्स्ट हमारे पास आता है आईएम जम्मू। नाउ आईएम जम्मू इज अगेन अ ब्रिलियंट कॉलेज, इसकी फीस थोड़ी सी हायर एंड पे 17+1 मेस फीस, एंड एवरेज सीटीसी इज गुड 16.43 व्हिच ब्रिंग्स आरओआई जस्ट लेस देन 100%। बैच साइज भी इनका डिसेंट है, 252 इज नॉट टू मच, अगेन डायनेमिक है। लोकेशन एंड इंफ्रा में इनका खुद का कैंपस है जो कि बनने वाला है, अभी 100% तैयार नहीं हुआ है, इस बैच के लिए 2-4 महीने में बन जाना चाहिए, एंड लोकेशन के थोड़े से कम पॉइंट्स हैं जम्मू के, बिकॉज परसेप्शन ऑफ जम्मू इज बैड। एक्चुअली में ये नहीं है, जेएनके की वजह से थोड़ा सा परसेप्शन बैड रहे, बट इन रियलिटी इट इज नॉट सो। सो पब्लिक परसेप्शन यहां पे 6 नंबर में आता है जम्मू का, वरना जम्मू आई एम जम्मू इज अ फैंटास्टिक कॉलेज। नेक्स्ट आता है हमारा आई एम संबलपुर। नाउ आई एम संबलपुर हैज द बेस्ट आरओआई इन बेबी आईएम्स। The रीजन इज द लीस्ट फीस, आई थिंक संबलपुर की ऑल आईएम्स में सबसे कम फीस आपको देखने को मिलेगी। अगेन इट्स अप्रोक्सीमेशन, बट इट्स अप्रोक्सीमेटली 13.5 लाख। एवरेज सीटीसी काफी अच्छा है इसका 16.64, जिसकी वजह से पब्लिक परसेप्शन रैंकिंग बहुत अच्छी है इसकी। अगेन संबलपुर का इंटेक कम है, विच इज वेरी गुड, एंड रैंकिंग में इसीलिए रैंकिंग इसकी 4th रैंक पे आता ही है। लोकेशन एंड इंफ्रा के लिए हमने 7 पॉइंट इसको दिए। नाउ कमिंग टू द लास्ट कॉलेज आई एम सिरमौर। आईएम सिरमौर की फीस अप्रोक्सीमेटली 16 लाख है, एंड एवरेज सीटीसी इज 14.5 लाख। बिकॉज इसका एवरेज सीटीसी कम है, हम इसको थोड़ा सा नीचे रैंक कर रहे हैं, एंड उसी वजह से इसकी पब्लिक परसेप्शन रैंकिंग भी कम है। बट द रीसेंट डायरेक्टर सर ऑफ आईएम सिरमौर इज एन अमेजिंग गाय, एंड उनकी वजह से एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक आईएम सिरमौर का देखने को मिला है, एंड इसी वजह से इसकी रैंकिंग बहुत जल्दी ऊपर भी हो सकती है। नाउ द आरओआई इज क्वाइट लेस बिकॉज ऑफ लो एवरेज सीटीसी, बट द बैच साइज इज ओके, एंड लोकेशन एंड इंफ्रा के लिए इनके पॉइंट्स थोड़े से कम है,
बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अपना कैंपस नहीं है एंड अगेन लोकेशन इनकी सिरमौर थोड़ा सा ऊपर की साइड रहता है, ऊपर दैट इज नॉर्दर्न पार्ट, एंड कोई बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है. सो इन्हीं सारी रैंकिंग के हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं, बट आई थिंक कोई भी चीज आप रैंक नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिवली. इट्स ऑल सब्जेक्टिव. ऐसा नहीं है कि नागपुर सबसे टॉप पे ही है. नो, हमेशा ये चीजें सब्जेक्टिव रहती हैं एंड थोड़ी ऊपर नीचे रहती है. And all the baby ants are somewhat comparable. कुछ ना कुछ comparison हो सकता है. So I think मेरी इस information से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. अगर आप और इसी तरह की videos चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू कॉलेज दुनिया MBA YouTube चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट as much as you can.